नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह डागूर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज हम उसका तीसरा पार्ट नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। मित्रों, अभी तक अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, क्या क्या उसके कुछ विशेषताएं थी उनके बारे में बात की, उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन की बात की, और आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं, यानी सामाजिक जीवन। देखिए, जैसा कि अपन ने बात की थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जितने भी अवशेष मिले, उन अवशेषों से अनुमान लगा करके हमारे पुरातत्व वेताओं के द्वारा इस सभ्यता की जानकारी पूरे विश्व को उपलब्ध कराई गई। और ये भी पूरी की पूरी जो सामाजिक विशेषताएं हैं, ये भी पूरी हमारे पुरातत्व वेताओं के द्वारा लगाए गए अनुमानों पर ही आधारित होंगे। जैसे सामाजिक जीवन में जो हम सबसे पहली विशेषता पढ़ते हैं इन लोगों की, वो ये कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग शांतिपूर्ण जीवन में यकीन करते थे, यानी शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाते थे। और इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी धारदार हथियार इस सभ्यता से हमें मिला नहीं है, जिसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा कोई हथियार नहीं मिला जिसका प्रयोग युद्ध वगैरह में किया जाता हो। क्लियर है, शांतिवादी दृष्टिकोण। दूसरा, समष्टिवादी दृष्टिकोण। समष्टिवादी जीवन, यानी मेल जोल की भावना। ये लोग आपस में मेल जोल की भावना रखते थे, आज की तरह नहीं। अब वो कैसे चढ़ गया, उसको उतारो, वो आगे कैसे बढ़ गया, उसको पकड़ के खींचो, टांग खींचो, नहीं। एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते थे, और इसके हमें अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट इसी में बात करते हैं, परिवार। समाज की बात कर रहे हैं तो परिवार, तो परिवार इन लोगों के एकल परिवार पाए गए। अब हम कैसे कहेंगे कि साहब ये एकल परिवार थे या संयुक्त, इसके बारे में क्या लगाया गया, अनुमान। अनुमान कैसे लगाया गया कि यहाँ पर खुदाई में जितने आवास मिले, जितने घर मिले, वो आवास आकार में छोटे थे। भाई, अगर पूरा परिवार साथ रहेगा तो बड़े घर की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर परिवार छोटा है तो हम छोटे घर में भी आसानी से रह सकते हैं। तो छोटे आवास मिले, इससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग एकल परिवार प्रणाली अपनाते थे। दूसरी बात, समाज जो था वो माना गया मातृसत्तात्मक। ये प्रश्न पूछा जाए कि सैंधव वासियों का या सैंधव वासियों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, या दोनों प्रकार की विशेषताएं उसमें मौजूद थी, तो हम
हमारे पुरातत्व वेत्ताओं के अनुमान के आधार पर ये बात कहेंगे कि इनका समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। क्यों? क्योंकि जो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है उसके अंदर महिलाएं हैं, मतलब सर्वाधिक अंकन जो मोहरों पर मिला वो अंकन है महिलाओं का। नंबर नेक्स्ट, नगरीय संस्कृति, इसकी अपन बात कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये लोग नगरों में निवास करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक लगभग 1600 के आसपास जो स्थल मिले हैं उनमें से लगभग सारे, एकाध को छोड़ करके, लगभग सभी में नगरीय संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पूरी की पूरी ये सभ्यता, पूरी की पूरी ये संस्कृति नगरीय संस्कृति मानी गई है। तो पूरी की पूरी संस्कृति कैसी हो गई? नगरीय संस्कृति। नंबर चार, समाज जो था इनका उसकी बात करें तो समाज के चार भाग थे। कितने भाग थे? चार। ये भी अनुमान है। वो चार भाग कौन कौन से? नंबर पहले वर्ग को माना गया कि एक वर्ग था जिसमें विद्वान लोग रहते थे, यानी विद्वानों का एक वर्ग माना गया। दूसरा वर्ग वह माना गया जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखता था, उस वर्ग को कहा गया राजन्य। तीसरा एक महत्वपूर्ण वर्ग जो व्यापार वाणिज्य का कार्य करता था, उस वर्ग को कहा गया व्यापारी। और चौथा वर्ग जो अन्य कार्य किया करता था, उस वर्ग को कहा गया श्रमिक। यानी समाज के अंदर चार वर्गों की मौजूदगी के प्रमाण मिले, जिनमें से पहला विद्वान, दूसरा राजन्य, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक हुआ करते थे। इसी प्रकार की विशेषता आगे चल कर के जब वैदिक संस्कृति देखेंगे तो वहाँ भी मिलती है, केवल इनके पदनाम बदल जाएंगे। जैसे विद्वान की जगह ब्राह्मण, राजन्य की जगह क्षत्रिय, व्यापारी को हम वहाँ पर वैश्य कहेंगे, श्रमिक को वहां पर हम शूद्र कह देंगे। क्लियर मित्रों? नेक्स्ट, अगली विशेषता, नंबर पांच। नंबर पांच की बात करें तो खाद्यान्न। तो देखिए, ये लोग दोनों प्रकार के खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे, यानी खाते थे, शाकाहार भी और मांसाहार भी। अब आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का किस प्रकार के भोजन पर जोर था, तो मांसाहार पर। यानी ज्यादातर लोग किसका प्रयोग किया करते थे? मांसाहार। अगला, वस्त्र। वस्त्र भी दोनों प्रकार के, ऊनी और सूती। अच्छा, ध्यान रहे, खाद्यान्न का, वस्त्रों में, इन सब का जिक्र हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी सभ्यता का, और आर्थिक जीवन, वहाँ पर हम इन सब की डिटेल से दोबारा से बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो कि बस ये बता करके छोड़ दिया। वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के। अब सूती वस्त्र जहां पर आ गए तो वहां पर अपने को जिक्र करना पड़ेगा कपास। तो ध्यान रहे मित्रों, विश्व को जो कपास है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। यानी सूती वस्त्र मान लीजिए या कपास कह लीजिए, विश्व को देन जो है वो कौन सी सभ्यता की है? सिंधु घाटी सभ्यता की। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि ये लोग आभूषणों के भी शौकीन थे, आभूषण पहनते थे। अच्छा, आभूषण जो थे ये दोनों ही पहनते थे,
पुरुष भी और महिलाएं भी, और आभूषणों का जो निर्माण किया जाता था वो सोना, चांदी, तांबा, हड्डियां, सीप, इन सब से प्रमुखता से ये लोग आभूषणों का निर्माण किया करते थे। क्लियर मित्रों? नेक्स्ट, सामाजिक जीवन की बात करें। अच्छा, एक पशु का जिक्र और आता है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु, सर्वाधिक पूजा जाने वाला मान लीजिए, या सबसे ज़्यादा महत्व जिस पशु को मिला वो पशु कौन सा है, तो इसका जिक्र भी करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट को अलग से नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पशु। कई जगह आपको लिखा मिलेगा एक श्रृंगी बैल। अगर ये आता है तो आंसर यही होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर हम कहेंगे कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल कह लीजिए या कुबड़ वाला बैल। अच्छा, एक चीज और बात करना चाहूंगा आपसे। आप लोग जब भी ये वीडियोस देखें तो अपना पेन पेपर साथ लेकर रखिए। जो जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जो यहाँ पर नोट की जाती हैं, उनका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखवाई नहीं जाती बोर्ड पर, नहीं वो केवल बताई जाती है। तो जहाँ पर वो बात आए अपने वीडियो को पॉज कीजिए और उस बात को नोट करते हुए चलिए, ताकि भविष्य में किसी एग्जाम में वो प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। दूसरी, मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस एग्ज़ाम में आपको भारतीय इतिहास से संबंधित मैक्सिमम जो प्रश्न हैं वो इन्हीं वीडियोज से मिल जाए। मैं इतना प्रयास करूँगा इसके लिए। हाँ, चलिए कंटिन्यू। बात कर रहे थे अपन सबसे महत्वपूर्ण पशु की, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु जो इन लोगों का माना गया वो कौन सा, एक श्रृंगी बैल, और इसी एक श्रृंगी बैल को कहा गया है कुबड़ वाला बैल। अब यहाँ पर पशु का जहाँ पर जिक्र आ जाता है वहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार बहुत से लोगों के दिमाग को खपाने के लिए पूछा जा चुका है कि सैंधव सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया एक बार और कि किस पशु के साक्ष्य किसी भी सैंधव स्थल से प्राप्त नहीं होते। इस प्रश्न को मैं आपसे ऑप्शन देके ही हल करवाऊंगा। पहला, इसमें ऑप्शन था गोवंश, बी ऑप्शन था घोड़ा, सी ऑप्शन था कुत्ता, डी ऑप्शन था बिल्ली। क्लियर? किस पशु से परिचित नहीं थे, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहां पर गोवंश, तो बच्चों का दिमाग तो यहीं पर चल रहा होगा कि भैया गोवंश से परिचित नहीं थे, गाय अपन ने रट रखा, गाय के साक्ष्य, गाय 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 गाय। देखिए, गोवंश में गाय प्लस बैल
दोनों ऐड हो गए, यानी बैल के जब प्रमाण मिल रहे हैं इसका मतलब गोवंश से तो परिचित हो गए। एक जगह हम पढ़ेंगे कि एक जगह एक कब्र से, अगले ही अभी इसी टॉपिक के अंदर, कि कुत्ते का भी शव मिला है, बिल्ली के पंजों के भी साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि सुरकोटड़ा गुजरात नामक, गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिलने के प्रमाण मिले हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किस पशु से परिचित नहीं थे? परिचित होने का मतलब यह हुआ कि संभवतः वह था उस समय, लेकिन उन लोगों के नियमित प्रयोग में नहीं था। उन लोगों के नियमित प्रयोग में नहीं था और आंसर हो गया अपना घोड़ा। दूसरा प्रश्न, किस पशु के साक्ष्य किसी भी सैंधव स्थल से प्राप्त नहीं होते? तो गाय, डायरेक्ट आंसर। अब कईयों के दिमाग में यह आ गया होगा, गाय के अवशेष, सर आप कह रहे हैं गाय के अवशेष नहीं मिले, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बैल के अवशेष मिल रहे हैं। तो यह प्रश्न हर एक नॉनसेंस का क्वेश्चन है, जो हर लगभग हर क्लास में बच्चे भी पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बार बार कि सर ये कैसे हुआ। तो समझिए, मैंने कहा साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रमाण, हिस्ट्री पूरी की पूरी किस पर चलती है? प्रमाण पर। पूरी की पूरी इतिहास किस पर चलता है? प्रमाणों पर। तो प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए, इसका मतलब गाय का कोई अंश, गाय का कोई साक्ष्य, गाय की कोई हड्डी हो, कुछ ऐसी चीज, वो प्राप्त नहीं हुई, यानी गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से, लेकिन घोड़ा उन लोगों के नियमित प्रयोग में नहीं था। क्लियर मित्रों, आगे चलते हैं इसी टॉपिक में आगे। आमोद, प्रमोद के साधन, आमोद प्रमोद के साधन, समझिए, आमोद प्रमोद के साधनों में, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, अब आज हम आज का उदाहरण ले लीजिए, आज जो नगरीय जीवन है, नगरीय जीवन में जितने भी मनोरंजन के साधन हैं वो घर के भीतर ही ज़्यादा से ज़्यादा कारगर होते हैं। जैसे हम बात करें कि आजकल शहरों में ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के साथ ही लगे रहते हैं, जितना भी उनको खेलना वगैरह होता है वो मोबाइल से ही कर लेते हैं, जबकि गाँव के बच्चे घर से बाहर खो खो, कबड्डी, कुश्ती, और शहर के बच्चे यही खेल मोबाइल पे खेलते हैं। यानी नगरीय जीवन में आमोद प्रमोद के साधन जितने भी होंगे वो घर के भीतर, ये लोग भी सेम, मनोरंजन का जितने भी इनके साधन थे वो घर के अंदर रहकर किए जाने वाले, जैसे नृत्य, संगीत, घर के भीतर हो गया। खेलों में, खेलों के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं थी, और खेलों में कौन सा हो गया? चौपड़, पासा वगैरह, इस प्रकार के ये लोग खेल खेला करते थे। इसके अपोजिट अपनी जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि ये लोग घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को महत्व देते थे। तो वापस आइए, आमोद प्रमोदन यानी मनोरंजन, और मनोरंजन ये लोग घर के भीतर ही किया करते थे। नेक्स्ट, अगला इस समय अंत्येष्टि क्रिया। तो मित्रों ये लोग तीन प्रकार की अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब मरने के बाद व्यक्ति के शव को ठिकाने लगाना, यानी उस शव को
नष्ट करना। और नष्ट करने की तीन प्रकार की विधियां थी और लगभग तीनों ही प्रकार की विधियों का ये प्रयोग करते थे। नंबर एक, इसको कहा गया समाधिकरण। नंबर दो, आंशिक समाधिकरण। और नंबर तीन, जिसे कहा गया दाह संस्कार। एक एक के ऊपर बात करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट पर। समाधिकरण क्या है, आंशिक समाधिकरण क्या है और दाह संस्कार किसे कहा गया। तो मित्रों, समाधिकरण यानी शव को दफनाना, आज भी बहुत से हमारे समाजों के अंदर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, बहुत प्रचलित प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इनकी कि ये शव को कैसे दफनाते थे। तो पर्टिकुलर, अच्छा इसको पूरे को पॉइंट को ही मैं अगले पेज में आपको दोबारा से समझा देता हूँ, समाधिकरण को लेकर के। हमारा पॉइंट है अंत्येष्टि क्रियाओं को लेकर, और अंत्येष्टि क्रिया में नंबर एक थी समाधिकरण। समझिए, यानी व्यक्ति मरा और व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव को मिट्टी में दफना दिया गया। और ये पूरी की पूरी सभ्यता के अंदर, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ये सबसे प्रचलित जो अंत्येष्टि क्रिया थी, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो अंत्येष्टि क्रिया थी वो थी समाधिकरण। अब इसमें हमें क्या मिलता है कि अलग अलग स्थानों पर, यानी अलग अलग स्थानों पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर अलग अलग स्थलों से अलग अलग प्रकार के समाधिकरण करने के अवशेष मिले। जैसे एक सामान्य विशेषता थी कि सामान्यतः ये लोग दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर शव को रख करके गाड़ते थे। अब ये तो सामान्य हो गया। अब कुछ स्थान ऐसे मिले जहां पर दक्षिण से उत्तर भी मिला और वो शव एक जगह पर, जो हमें शव मिला वो कॉफिन में मिला। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां से कि हड़प्पा से एक शव मिला जो कॉफिन में था। कॉफिन का मतलब बॉक्स, शव था वो बॉक्स के अंदर था। अब इससे अनुमान लगाया गया कि यह जो शव था यह किसी विदेशी व्यक्ति का था, यानी कोई विदेशी व्यक्ति था जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय या हड़प्पा में आया होगा, उसका देहांत हो गया होगा और उसके साथ के लोगों ने उसके शव का यही अंतिम संस्कार कर दिया होगा। और उसके शव को किस में गाड़ा गया, एक कॉफिन के अंदर। इससे अनुमान लगाया कि ये शव तो विदेशी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अन्य स्थान है या हड़प्पा में भी जो अन्य शव मिले हैं उनमें से कॉफिन के प्रमाण नहीं मिले, केवल एक ही प्रमाण मिला जहां से ये अनुमान लगाया गया कि शव किस में था, कॉफिन के अंदर। क्लियर है यहां तक की कहानी, आगे चलते हैं। यहां से ही एक प्रश्न बन जाता है
कि सबसे अच्छा जो दफनाने का काम करेंगे, वो दफनाने का कार्य जिस स्थान पर किया जाएगा वो स्थान कहलाएगा कब्रिस्तान। क्या कहलाएगा मित्रों? कब्रिस्तान। तो एक बार प्रश्न पूछा गया और दोबारा भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान, तो ये कहां से मिला? ये भी हड़प्पा से। जो हड़प्पा नामक स्थल था वहां से सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला और उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37। क्या नाम दिया गया? R37। देखिए, इन लोगों का अगला जो पॉइंट है अपना, वो नगर नियोजन पढ़ेंगे। नगर नियोजन में इस चीज को समझेंगे कि नगर जो था वो दो भागों में बटा रहता था, और जो इनके इन दो भागों में जो नगर टीला कहलाता था, उस नगर टीले के जो ये दक्षिण ये पूर्व, यानी दक्षिण पूर्वी कोने में हड़प्पा के नगर टीले के दक्षिण पूर्वी कोने में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। अब हड़प्पा की बात करते हैं, तो हड़प्पा नामक स्थल से जब ऊपरी स्तर की खुदाई की गई, यानी बाद की खुदाई की गई, वहां पर एक कब्रिस्तान और मिला और उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया एच कब्रिस्तान। क्या नाम दिया गया? एच कब्रिस्तान। ध्यान रहे, R37 हड़प्पा से मिला, जो पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। दूसरा प्रश्न बन गया, एच कब्रिस्तान, कौन सा कब्रिस्तान? एच कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? एच कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह कब्रिस्तान भी कहां से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से। अगला पॉइंट इसी में बात करते हैं आगे चलते हुए। दूसरी प्रकार की विशेषताएं या दूसरे प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया, इसको कहा गया आंशिक समाधिकरण की क्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? आंशिक समाधिकरण क्रिया। आंशिक समाधिकरण को समझिए, आंशिक यानी कोई अंश, और समाधिकरण यानी उसको दफनाना, यानी शरीर के किसी अंश को क्या करना? दफनाना। ये दो प्रकार से हो सकती थी। पहला, किसी व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? जंगल में। जंगल में छोड़ने के बाद में पशु पक्षियों के द्वारा, इनके द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा उस शव को खा लिया गया, और उनके खाने के बाद जो अवशेष बचे, उन अवशेषों को किसी पात्र में या किसी वस्त्र में लपेट कर उसको दफनाना, उसको दफनाना क्या कहलाएगा? आंशिक समाधिकरण। यानी उसके शरीर के जो अंश बच गए, उन अंशों को, जो शेष अंश थे, उस शेष अंशों को क्या करना? दफनाना। क्या कहलाएगा? आंशिक समाधिकरण। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इसी में कि आंशिक समाधिकरण दूसरे किस प्रकार से दी जा सकती थी? तो कोई व्यक्ति के देहांत के बाद उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। ये तीसरा प्रकार भी यही है, दाह संस्कार। किसी व्यक्ति के मरने के बाद में उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया, और दाह संस्कार के बाद में जो शेष अंश थे, यानी जो जिसको अपन फूल कहते हैं अपनी भाषा में, जो शेष अंश बच गए, उन अंशों को किसी पात्र में रखा, और पात्र में रख करके उनको दफना देना, ये क्या कहलाएगा? यह भी कहलाएगा आंशिक समाधिकरण। क्लियर? पहली समाधिकरण,
और समाधिकरण में उत्तर से दक्षिण तक मुख्य रूप से, कई स्थानों पर दक्षिण से उत्तर भी, सबसे बड़े कब्रिस्तान, अच्छा एक हड़प्पा से मिला जो कॉफिन के अंदर सब था, सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला R37 जो मिला हड़प्पा नामक स्थल से, एच कब्रिस्तान भी कहाँ से मिला, हड़प्पा से। अगली बात की अपन ने आंशिक समाधिकरण की, यानी किसी शरीर के किसी अंश को दफनाना आंशिक समाधिकरण कहलाएगा। जैसे सब को जंगल में छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने खा लिया, पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो अंश बच गया उसे किसी पात्र या किसी वस्त्र में लपेट करके दफनाना आंशिक समाधिकरण कहलाएगा। अगला पॉइंट इसी में दाह संस्कार, यानी दाह संस्कार के सॉरी आंशिक समाधिकरण का दूसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति के शव का दाह संस्कार कर दिया गया, दाह संस्कार करने के बाद में जो शेष टुकड़े जो शेष अवशेष बचे उन अवशेषों का दफनाना ही क्या कहलाएगा, आंशिक समाधिकरण। और नेक्स्ट है इसी में दाह संस्कार, अगला पॉइंट है इसी में दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब आप जानते हो अच्छे से, सबको जलाना। तो ये तीन प्रकार की जो विशेष समाधिकरण सॉरी अंत्येष्टि की क्रियाएं थी, ये हमें मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये तीनों प्रकार की विशेषताएं या तीनों प्रकार की प्रणालियां मौजूद थी सिंधु घाटी सभ्यता में। धन्यवाद मित्रों। अब इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो सिंधु पूरी की पूरे टॉपिक का, पूरे के पूरे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो है इस सभ्यता का नगर नियोजन, जो पूरे विश्व में सबसे उस समय का सबसे उत्कृष्ट नगर नियोजन माना जाता है। अगला पॉइंट हम अगला वीडियो बढ़ाएंगे, उसके लिए एक ही वीडियो बनाएंगे पूरे नगर नियोजन का, और वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और बात बार बार कहूँगा आपको, बार बार कहता भी रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेज में, अभी ऑफलाइन का थोड़ा सा मुझे अनुभव अभी ले रहा हूँ, धीरे धीरे आपके साथ में अपनी बातें साझा कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे मित्रों, इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें, वीडियो को पॉज करते करते दो तीन बार देखें, संभवतः दो तीन बार देखने के बाद में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी समझ में आ जाएगी। अपने खुद के हाथों हाथ के हाथ नोट्स बनाते हुए चलें। कुछ जो प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे कि ये प्रश्न अगर लाइव क्लास होती तो हम ये प्रश्न पूछते, मुझे ध्यान जब जैसे ही टॉपिक अपना समाप्त होगा, उस टॉपिक समाप्त होने के बाद में मैं इस टॉपिक को लेकर के कुछ प्रश्न आपसे सॉल्व करवाऊँगा, उन टॉपिक उसके अंदर संभवतः आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।